सूरत शहर में एक जागरूक नागरिक ने रेत खनन को रोकने की कोशिश करते हुए खुद को मारने की धमकी दी, जिसके बाद सूरत के जिला कलेक्टर को एक आवेदन भेजा गया। सूरत के तापी जिले के निजार और कुकरमुंडा में अवैध बालू खनन की खबरों के बाद सूरत के एक जागरूक नागरिक द्वारा बालू खनन का वीडियो बनाया गया और पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। इस घोटाले को उजागर करने में स्थानीय पत्रकारों के साथ जागरूक नागरिक पूरा घोटाला वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद महेन वसावा नाम के एक जागरूक नागरिक को जालसाज से जान से मारने की धमकी मिली। ये वही है जिसके 8 महीने से बालू खनन चल रहा है, जिसमें सरकार को हर महीने करीबन 2 करोड़ रुपए की कमाई होती है। रॉयल्टी चोरी कर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश करने के बाद जागरूक नागरिक को जान से मारने की धमकी दी। कलेक्टर को आवेदन दिया गया और जागरूक नागरिक महेन वसावा ने जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया था कि सारी जिम्मेदारी रेत में शामिल लोगों पर आ जाएगी। घोटाला अगर उनके जीवन के लिए खतरे के कारण उनके साथ कुछ भी हुआ तो इसके लिए ये लोग जवाबदार रहेंगे। अपना नाम? मारू नाम महेन भाई उर्फे महेंद्र सिंह बरदेव सिंह वसावा छे। कई जगह रे रजूआत करवा है? कई जगह रे? मारे सूरत अडाजन रहवानु छे। अत्यारे तमे कई जगह आवे साना माटे आयो? हाँ, हूँ कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवामां आव्यो छूं के अमारे तापी जिल्लामां एक शूँ कहे के तापी जिल्लामां खूब ज मोटू रेटी कौभांड चाले छे, जे एक महीना पहला मारी मैं अने मारी टीमे एने पर्दाफाश कर्युं हतुं। अमे जाते तापी जिल्लाना निजर अने कुकरमुंडा गामना लीज़ पर त्यां शूटिंग करवा गया हता अने अमे त्यां जे भी गैरकायदेसर रेटी खनन थतुं हतुं एने पर्दाफाश करी अने यूट्यूब चैनलना माध्यम एने बहार पाड्युं हतुं। अने शूँ कहेवाय के एने लीधे जे दिनेश उर्फे दिनेश मेट्रो प्रागजीभाई सुहागिया जे छे ते तापी जिल्लानुं आखू 2 નંબરનું જે કામકાજ જે છે એ પોતે હેન્ડલ કરે છે અને સરકારને લગભગ 150 કરોડનું 1 વર્ષમાં કૌભાંડ કરે છે એ ભાઈ। મારી માંગ એવી છે કે 1 મહિના પહેલાં જે મારી ન્યૂઝ ચેનલ, હું પોતે માય ટીવી ન્યૂઝ ચેનલ અને ટ્રાઇબલ ન્યૂઝ ચેનલનો ઓનર છું, તો 1 મહિના પહેલાં જે મેં મારી ન્યૂઝ ચેનલમાં યુટ્યુબમાં જે આના સમાચાર બનાવેલા હતા, એટલે મને ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી નિઝરના પત્રકાર, વ્યારાના પત્રકાર અને સુરતના પત્રકારો થકી મને ધમકી આજે દિનેશ ઉર્ફે દિનેશ મેટ્રો પાકજીભાઈ સુહાગિયા જે છે આપતો હતો કે ભાઈ તને અમે જાનથી મારી લાગશું, તું સમજી જા, અને તમે પત્રકાર છો તો પત્રકારને ખાલી 200 રૂપિયાની ઓકાત છે એ લઈને તમે અહીંયાથી ચાલ્યા જાઓ ને અમારું આખું સેટઅપ ગાંધીનગર સુધી ચાલે છે અને તને ગમે ત્યારે જાનથી અમે મારી લાગશું, એવી ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટ મને ધમકી આપે છે। એટલે તી મારા પ્રોટેક્શનના માટે જો મને કંઈક પણ, અમે એક પત્રકાર છું અને અમે એનું 150 કરોડનું કૌભાંડ બહાર પાડવાના છે અને આમાં મને ભલે જાનનો જોખમ હોય કે ભલે મારું ખૂન થઈ જાય, જો મને કંઈ પણ થાય તો એની સંપૂર્ણ જવાબદારી દિનેશ ઉર્ફે દિનેશ મેટ્રો પ્રાગજીભાઈ સુહાગિયાનું રહેશે। ઓકે।